पूरा पंजाब पूछ रहा सवाल 2027 दे विच कीवे बनेगी भाजपा की सरकार, की सिख चेहरियां दे नाल बन सकती है भाजपा की सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दे बयान दा डीएनए, पूरे पंजाब च भाजपा की लग चुकी है फील्डिंग, आन वाला 2027 होवेगा करिश्माई साल। स्वागत करते हैं जी, अज की खास रिपोर्ट है भाजपा नूं लैके। भाजपा दरअसल ये दलील दे रही है कि 2027 दे विच साडी सरकार बननी तय। दरअसल अमृतसर दे विच अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री पहुँचते हैगे ने, उत्थे पहुँच के मीडिया दे नाल जदों मुखातिब हुंदे ने तां वड्डा बयान उन्हां दे वल्लों दित्ता जांदा है कि 2027 दे विच भाजपा की सरकार बन जाएगी। फार्मूला तैयार हो चुका, ऑपरेशन लोटस के मुद्दे को भी लैके सवाल उन्होंने तो पूछेगा। ऑपरेशन लोटस को लैके अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इल्जाम दरअसल झूठा है, इसके पिछे कोई भी सच्चाई नहीं है, भाजपा का लक्ष्य सिर्फ पंजाब का विकास है, आने वाले समय के 2027 के भाजपा की सरकार बनेगी। पर यह जो बयान है ये सिखा के दम उत्ते उन्होंने दिता है, सिख चेहरियां नूं लगातार भाजपा अपने खेमे दे विच शामिल करा रही है। इन्हां सिख चेहरियां दी गल भी कर लैने, एक एक करके तुहानूं चेहरियां दा जिक्र भी दसांगे, तो उन्हां दी ड्यूटी की लाई गई है भी तुहानूं दसण दी इत्थे कोशिश करांगे। सब तो पहला चेहरा तुसीं देखो, ये चेहरा है मनजिंदर सिंह सिरसा दा, भाजपा दे विच इह सिख चेहरा शामिल हो चुके है। तो सिलसिला दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो शुरू होया सी जदों मनजिंदर सिंह सिरसा नूं उन्होंने शामिल करवाया। सिरसा अकाली दल दा दिल्ली दे विच इक वड्डा चेहरा सन किसे समय, तो सिख मसलिया उत्ते खास तौर पर सरगर्म हमेशा नज़र आए, पंजाब दे मुद्दे नूं लैके किसानां नूं मुद्दे लैके हमेशा सरगर्म नज़र आए। फिलहाल ये भाजपा दे विच शामिल हो चुके हैं। दूजा अहम चेहरा है फतेह जंग बाजवा। जे प्रताप बाजवा भरावां दी गल करिए तां कादियां तों एक दमदार चेहरियां दे तौर ते इहनां दी पछाण है, ते विधायक फतेह जंग बाजवा भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल हो चुके ने। उस तों बाद चेहरा जोगिंदर जसवंत सिंह, भारतीय फौज दे साबका मुखी जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, ते साल 2017 दीआं विधानसभा चोणां दे विच साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नाकाम चुनौती इन्होंने दी सी, ते भाजपा दी बस दे विच फेरे सवार हुंदे हुए नज़र आए। उस तो बाद दे चेहरे की गल करिए प्रोफेसर सरचंद सिंह, इन्हां दा नाम है श्रोमणी अकाली दल बिक्रमजीत सिंह मजीठिया दे मीडिया एडवाइज़र, ते दमदमी टकसाल दे बुलारे प्रोफेसर सरचंद सिंह भाजपा दा पल्ला भी फड़ चुके ने। उस तो बाद दे चेहरे की गल करिए हरिंदर सिंह कालो, इन्हां ने भी भाजपा दा खेमा ज्वाइन किया। हरिंदर सिंह कालो की गल करिए जे कदे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे मुखी का जिक्र होगा तो इन्हों का नाम हमेशा सुरखियों के रहेगा, तो कालो भी भाजपा नूं फिलहाल ज्वाइन कर चुके हैं। उस तो बाद दे चेहरियां की गल करिए दमदमी टकसाल के बुलारे सरचंद सिंह भंगू का नाम आता है, तो साबका विधायक दीदार सिंह भट्टी तो सतवंत सिंह मोही का भी नाम सुरखियों के है। उस तो बाद दे सिख चेहरे की गल करिए कवरवीर सिंह टोड़ा, इन्हों का नाम भी सुरखियों के है, तो मरहूम अकाली आगू गुरचरण सिंह टोड़ा दे पोते की गल असी कर रहे हैं, तो कवरवीर सिंह टोड़ा भी इस लिस्ट के आ चुके हैं। तो खासम खास प्रधानमंत्री मोदी दे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने भी भाजपा का खेमा फड़िया, कांग्रेस ने जो इन्हों लांबे किया तो इन्होंने भाजपा का पल्ला फड़िया, तो कैप्टन भाजपा के नाल खड़े हो गए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नवी पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस भी बनाई, तो हुण ही पिछले दिन ही भाजपा के नाल पूर्ण तौर पर वो जुड़ चुके हैं, यानी आने वाले समय के कैप्टन के मोढ़िया ते एक वड्डी जिम्मेदारी होगी। सुखदेव सिंह ढींडसा का जिक्र भी कर लेने, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे आगू सुखदेव सिंह ढींडसा कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल हमेशा नज़र आए, तो भाजपा नाल चोण समझौते दे विच भी यह जनाब शामिल हो गए सन। लोग सभा चोणों की गल करिए 2024 दे लई भी तैयारी इत्थे नज़र आ रही है, कल 27 दिन ही गल करते आपां 24 ते भी आ जाने हैं, क्योंकि पंजाब दे विच वक्खो वक्ख थावां ते भाजपा ने पूरी फील्डिंग ला दिती है। तो भाजपा की रणनीति की गल करिए रणनीति की है तुसी देख लो, रणनीति खास है। सूत्रा का कहना है कि भाजपा 13 लोग सभा सीटा दे विचों ज़्यादातर लई मजबूत सिख उम्मीदवार की तलाश कर रही है। हुण भाजपा ने अपना आधार वधाउण दे लई 3 केंद्रीय मंत्रियों 9 लोक सभा सीटा की जिम्मेदारी दे दी है। सूत्रा ने दस्सिया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
पंजाब भाजपा के इंचार्ज गजेंद्र शेखावत आनंदपुर साहब हुशियारपुर बठिंडा के इंचार्ज ने ते इसके नाल ही केंद्रीय विदेश राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अमृतसर जलंधर और गुरदासपुर की देखरेख कर रहे हैं। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मंडाविया पटियाला संगरूर लुधियाना के इंचार्ज ने ते भाजपा के एक नेता ने यह भी कहा कि पार्टी जल्दी ही होर सीटा के इंचार्ज नेतावान की भी नियुक्ति कर देगी। फिलहाल अखीर दे विच तुसी भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो, वध तो वध इस वीडियो नू शेयर करो, चैनल नू सबसक्राइब भी करो कि तुहानू लगता है कि भाजपा 2027 दे विच जित सकती है जां फिर लोक सभा चोणां दी गल करिए 24 दे लई भी सिख चेहरियां दे मोढ़े ते अपना झंडा यानी कि कमल लहराउण दा काम कर सकती है। जे तुहानू लगता है तां कमेंट सैक्शन दे विच जरूर लिखियो ते इस दे पिछे जे कोई तुहाडा वड्डा सवाल भी है नैक्सट एपीसोड दे विच सवाल दा जवाब भी मैं देण दी कोशिश करांगा ते जिम्मेदारी दे नाल इस वीडियो नू वध तों वध शेयर करियो।